प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट जारी हुई है। ईएसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, वहीं मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। ईएसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसके तहत देश में हिंदू आबादी में कमी आई है। वहीं बात की जाए तो ये जो कमी है 65 सालों में 8% के हिसाब से हुई है। 1950 में 84.68% थी हिंदू आबादी, 2015 में हिंदू आबादी घटकर 78.06% रह गई। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो उसमें इजाफा देखने को मिला है। ईएसी की ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। देश में एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, इस बीच ईएसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा जिसके तहत 65 साल में देश में हिंदुओं की आबादी 8% घटी है। 1950 में 84.68% थी देश में हिंदुओं की आबादी, जो 2015 में घटकर 78.06% रह गई है। मुसलमानों की आबादी में हालांकि 4.25% की बढ़ोतरी हुई है। मुसलमानों की हिस्सेदारी में 43.15% का इजाफा देखा गया है। जो ग्रोथ रेट है मुस्लिम आबादी की वो 43.15% है। 2015 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14.09% कुल आबादी के हिसाब से हुई। 1950 में इनकी आबादी 9.84% थी, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में एक और जानकारी सामने आई है जिसके तहत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। बांग्लादेश में हालांकि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो ईएसी की ये बड़ी रिपोर्ट जिसके तहत देश में हिंदुओं की आबादी में 8% के हिसाब से कमी आई है। हालांकि अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 0.25%। ये 0.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं।